मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए। हेलो हेलो, माही बोल रहा हूँ। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर। क्या प्रीक्वल की कहानी होगी सीक्वल में कंटिन्यू? क्या शांति के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी फिल्म? क्या राधा का किरदार होगा सीक्वल में शामिल? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रीहा, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त, और आज खबर लेकर आई हूँ फिल्म मझधार के बारे में। तो दर्शकों, आपको क्या लगता है, आखिर किस ढंग से मझधार 2 की कहानी लोगों के बीच आएगी? अगर नहीं पता तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि मझधार 2 प्रीक्वल की एक कंटिन्यूएशन हो। जी हाँ, प्रीक्वल की कहानी जिस मझधार में छोड़ी गई थी, वहीं से वापस इस कहानी को उठाया जाएगा और एक नए प्लॉट और नए तरीके के साथ दर्शकों के सामने रखा जाएगा। प्रीक्वल की एंडिंग में गोपाल भी मर जाता है और राधा भी, पर आखिर राधा की बेटी शांति का क्या होता है? वही कृष्णा भी अपनी बेटी के साथ कहानी के एंड में जिंदा रह जाता है, पर आखिर इन किरदारों का क्या हुआ और किस तरह से उनकी जिंदगी बदली? गोपाल और राधा के बाद इन सारे सवालों का जवाब हम आने वाले सीक्वल से मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर इस फिल्म को एक कंटिन्यूएशन फिल्म के रूप में बनाया जाता है तो पुराने दौर के दर्शकों के साथ नए दौर के दर्शक भी फिल्म को देखने पहुंचेंगे, जिस वजह से सीक्वल को थिएटर्स में अच्छी खासी भीड़ मिलने की बहुत उम्मीद है। और अब ये भी हो सकता है कि सीक्वल की कहानी भी मझधार में छूट जाए और वही खत्म हो जाए। वैसे तो मेकर्स के पास ऐसी कई चीजें हैं जिससे वो प्रीक्वल को सीक्वल से जोड़ सकते हैं, पर हो भी सकता है कि सीक्वल में बैक स्टोरी को ज्यादा ना दिखाकर आने वाले वक्त में क्या हुआ इस बात पर फोकस किया जाएगा। वही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरह से प्रीक्वल में कृष्णा को सेंटर में रखा गया था, कुछ उसी तरह सीक्वल की कहानी कृष्ण और राधा की बेटी शांति के नजरिए से दिखाई जाएगी, क्योंकि सभी को जानना है कि आखिर शांति का बचपन कैसे बीता और क्या उसने कभी अपनी माँ के बारे में कृष्णा से नहीं पूछा? क्या वो गोपाल को जानती थी? साथ ही उसकी जिंदगी क्या मोड़ लेगी जब उसे उसकी जिंदगी की असलियत के बारे में पता चलेगा? इन सारे सवालों के जवाब हमें इस फिल्म में मिल सकती है। साथ ही शांति आने वाले वक्त में किस तरह की चीजों का सामना करेगी, इस बात का भी खुलासा सीक्वल में किया जा सकता है। वही जिस तरह से प्रीक्वल में मालविका तिवारी ने शांति का किरदार निभाया था, तो सीक्वल में थोड़ी और बड़ी हो चुकी शांति का किरदार कोई ऐसी एक्ट्रेस निभा सकती है जो अपने 30s या 40s में हो, या फिर हो सकता है कि मालविका तिवारी को ही फिर से कास्ट किया जाए जो बड़ी शांति का किरदार निभाए। साथ ही तबू जैसी एक्ट्रेस को मझधार 2 में शांति का किरदार मिल जाए। कहानी में भले ही नए पात्र होंगे, लेकिन पुरानी कहानी को भी एक मुद्दा बनाया जाएगा और मेकर्स द्वारा कनेक्शन मेंटेन करने की कोशिश बिल्कुल की जाएगी। देखते हैं कि मेकर्स का ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है। वैसे आपको क्या लगता है, राधा वापस आएगी? हाँ हाँ, हम जानते हैं कि फिल्म में उसके किरदार को मार दिया गया था, लेकिन किसी को उसकी जिंदगी की सच्चाई के बारे में नहीं पता और ना ही किसी ने उसकी मौत की सच्चाई जानी है। इसीलिए हो सकता है कि उसके किरदार को एक आखिरी बार दिखाया जाए और वो भी सीक्वल के क्लाइमैक्स में, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कभी मरी ही नहीं थी। राधा के बारे में भी बहुत कुछ जानना बाकी रह गया था जिसे आने वाले वक्त में हम सीक्वल के थ्रू जान सकते हैं। वैसे क्या आप राधा के किरदार को वापसी करते हुए देखना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।